अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े तब तक। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Axiom number 5 कौन सा लिखिए? The whole is greater than the part. अब ये जो whole होता है वो अपने part से बड़ा होता है। बड़ा होता है ना, तो उसका reason क्या लिखोगे? Reason तो कुछ भी नहीं है, रीजन आप बस यही लिखोगे जो बुक में लिखा हुआ है आंसर में, कि आप दुनिया के किसी भी पार्ट में जाते हो, वहाँ पे आपने चेक किया कि जो कंप्लीट टर्म है वो अपने पार्ट से बड़ी होती है, बस इसी, बस ये एज इट इज लैंग्वेज लिख दो, जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी हुई है वो आप एज इट इज लिखेंगे। कौन सी लैंग्वेज लिखी है उन्होंने? बस Since this is true for everything in any part of the world, so this is a universal truth. Okay? क्वेश्चन कौन सा कौन सा लोग कौन सा था? सेवन था ना? Read the solution. Since this is true for anything again in every part of world, kya likha tha na, kya likha tha, ye ye, so this is a universal truth. Universal truth क्या? Universal truth किसको कौन? Universal truth होता क्या है? ऐसा truth जिसको पूरी दुनिया माने, ठीक है? समझ गए? तो ये आपकी 5.1 complete हुई। अगला question मेरे से complete होगा। अगले exercise दो ही question होंगे ना उसमें, अगले exercise कितने हैं? दो है। डायरेक्ट पढ़िए, एग्जाम्पल किया आपने, कल होमवर्क चेक करूँगा बेटे, और अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ये तो करना नहीं है, करने हैं नोटबुक में, कौन से करना है? मैं करवा रहा हूँ ना, स्कूल में चेक हो जाएगी, तो मैं तो करवा रहा हूँ ना, तो करना है, ठीक है? स्कूल वाली मत करना, अलग से कॉपी में कर लेना, ये स्कूल के जो स्कूल वाली कॉपी है ना उसकी बैक साइड में कर लेना, ठीक है? बैक साइड में करके बाद में चल स्कूल स्टेपल लगा दिया, चल देखिए इसमें कर, मैं स्कूल वाली में कर लेना, ताकि ये रिकॉर्ड के तौर पर ठीक हो जाए, जब भी अगर आपको देखना पड़े तो एटलीस्ट कॉपी में देख तो ले, ठीक है? मैं ये कर स्कूल वाली कॉपी में बैक साइड में कर लेना, ताकि टीचर्स को दिखे भी ना और आपका रिकॉर्ड भी उसी मेंटेन रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड? क्या कहता है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट? क्या था? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नहीं सॉरी, इससे कौन से वाला ये? हाँ, फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? कभी करवाया था? नहीं, वो तो एक्सियम है। पोस्टुलेट, अगर दो लाइंस के ऊपर एक हम तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं और सेम साइड के अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है तो ये लाइंस आगे जाके मिल जाएगी, ये था ना? इन्होंने ये कहा, क्या इस पोस्टुलेट को हम किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिससे कि इसको समझना आसान हो जाए, जिससे इसको समझना
उसको मैं सिर्फ कहूंगा ना, देखो अगर 180 से छोटा है तो आगे चल के क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इनका सम 180 से बड़ा है, इधर से तो 180 से बड़ा होगा, तो लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है। और अगर इनका सम 180 के इक्वल होगा तो लाइंस क्या होंगी, स्ट्रेट यानी पैरेलल। इसको इसी लैंग्वेज में लिखेंगे, इफ द लाइन इज ड्रॉन ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सच दैट इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल्स ऑफ द सेम साइड इज 180 degrees, then the two lines are parallel। दूसरे लेवल में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर दो लाइंस हैं, उनके ऊपर एक हम लाइन ड्रॉ करें और उनके एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 के इक्वल हो तो वो दो लाइंस है वो क्या होंगी, पैरेलल। तो अगर दूसरी लैंग्वेज में नोट करना है तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है जी, करना कर लीजिए इसको नोट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है इसके, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या इससे आपको पता लगता है कि लाइंस के पैरेलल के बारे में, पैरेलल के बारे में पता लग रहा है ना। इसने ये कहा था कि अगर 180 से छोटा है लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 180 से बड़ा है तो लाइंस कर लेंगे, और अगर 180 के इक्वल है तो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो लिख लो, यस फिफ्थ पोस्टुलेट्स इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे, यस यूक्लिड fifth postulate implies the existence of parallel lines। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए जी, इसके बाद हो गया चैप्टर नंबर 5 से खत्म। चलो फिर आज के लिए इतने कर लेते हैं, अब चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था।